बच्चे जब आपकी बात ना सुने, पलट कर जवाब दें, बदतमीजी का व्यवहार करें, तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अजब है जमाना, अजब सा हिसाब है। जमाना कह रहा है, जमाना खराब है। अपने लिखे इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। टीनेजर बच्चे जब आपकी बात ना सुने, पलट कर जवाब दें, बदतमीजी का व्यवहार करें, तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कोई भी बच्चा ओवरनाइट नहीं बिगड़ता है। ये बच्चे बचपन से ही आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्योंकि ये बच्चे थे तो आप इनकी गलतियों को या इनकी बदतमीजियों को अवॉइड कर देते थे या फिर उन्हें डांट कर चुप करा देते थे, और बच्चे भी सहम जाते थे और चुप हो जाते थे। लेकिन आपने कभी भी उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बोलने लायक हो गए हैं, खुद को एक्सप्रेस करना भी जान गए हैं, तो ऐसे में जब बच्चे आपको जवाब देते हैं तब आपको बहुत बुरा लगता है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? तो इसमें सबसे बड़ी गलती है आपकी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, पेरेंट्स जो कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ में काफ़ी बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, और तब पेरेंट्स को लगता है कि अरे अभी तक तो ये ठीक था, अचानक इसको क्या हो गया? तो देखिए, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका एक बहुत ही सटीक मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बिहेवियर को चेंज करना है। अगर आपको अपने बच्चे में बदलाव लाना है तो देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को बचपन में नहीं सुधारा तो भी, और अगर आपका बच्चा बचपन में ठीक था अब बहस करने लगा है तो भी, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। यानी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी आपका बच्चा ऊंची आवाज़ में बात करे, बहस करे, तो आपको बिल्कुल भी डांटना नहीं है। आपको बहुत ही प्यार से, पोलाइटली अपने बच्चे से पूछना है कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हो सकता है कि आपका बच्चा आपकी बात को ना सुने, आपकी बात को इग्नोर करे, लेकिन आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है। और हर बार जब भी बच्चा गुस्सा करे आपको बहुत ही प्यार से बात करनी है। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपका बच्चा आपको झिड़क दे, कहे कि नहीं, मुझे आपकी बात कोई नहीं सुननी है, मुझे करने दीजिए जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार अपने बच्चे से प्यार से ही बात करते रहिए। जब आप लगातार उससे प्यार से बात करेंगे तो उसे भी लगेगा कि मेरे इतने गुस्से के बाद भी मेरे पेरेंट्स मेरे गुस्से को कितना प्यार से ले रहे हैं, और धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति भी एक प्यार जन्म लेगा। और जब उसके मन में आपके प्रति प्यार होगा तो वो अपने मन को भी आपके सामने खोलकर जरूर रखेगा। और जब आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आप उसका सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जब आप अपने बच्चे को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं तो बच्चे का आप पर यकीन बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आप ही वो हैं जो उसे हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसे में बच्चे आपको एक आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी समझने लगते हैं और उनका आपके साथ में बॉन्ड बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाता है। माँ बाप और बच्चों का इस तरह से करीब आना दोनों के लिए ही बहुत ही प्राउड की बात है कि जब बच्चे आपसे इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएं। तो बस समझने वाली बात इतनी सी ही है कि आप अपने बच्चों का बिहेवियर डांट फटकार या गुस्से से कभी भी नहीं बदल सकते। अगर बच्चों को सुधारना है तो आपको प्यार और बातचीत का ही रास्ता अपनाना होगा। इन दोनों ही बातों को पकड़कर चलना होगा। और हाँ, एक बात और देखिए,
अगर आप ये सोचें कि हमने 2-4 दिन या 10 दिन हमने अपने बच्चे से बहुत प्यार से बात की और बच्चे में तो फिर भी कोई अंतर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए समय लगता है। कोई भी चीज़ रातों रात ठीक नहीं हो जाती है। इसलिए एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ लगातार पेशेंस बनाए रखें और उनसे प्यार से ही बातचीत करें। आज नहीं तो कल आपको अंतर ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ में एक ऐसा रिश्ता ज़रूर बनाएं कि जहाँ आप अपने बच्चों को ये बता सकें, समझा सकें कि उन्हें किस तरह के लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए और किस तरह के लोगों से उन्हें हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर का माहौल भी अच्छा है, पेरेंट्स अच्छे से बिहेव भी करते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में पड़ जाता है जहां वो खुद को स्पॉइल कर लेता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एक सोशल अवेयरनेस भी देते रहें ताकि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में चलता रहे। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि इंसान हो या भगवान, किसी को भी वश में करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार में होती है। इस बात को याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।